छत्तीसगढ़ के मुंगेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस परिवार, कहा महादेव ऐप घोटाले में 508 करोड़ बटे सत्ता से जा रहे हैं सीएम भगेल। महारैली में बोले पीएम मोदी, पहले चरण के मतदान से साफ छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा कांग्रेस का राज। मुंगेली में बोले पीएम मोदी, दिल्ली में राजनीतिक विश्लेषक लगाते हैं शर्त, भूपेश बघेल हार रहे हैं अपनी सीट से चुनाव। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में महारैली में बोले पीएम मोदी, बीजेपी सरकार बनते ही गरीबों को देंगे पक्का घर। महारैली में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस सरकार की होगी विदाई, 17 को सुनिश्चित होगी कक्का की विदाई। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा जो गोबर से भी खा जाता है वो क्या छोड़ता होगा। जो लोग मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलकर आए पीएम पहले उन पर करे कार्रवाई, छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का बयान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं के दौरे पर बोले भूपेश बघेल, चुनाव है तो सब आएंगे, बाद में कभी भी नजर नहीं आएंगे। पीएम मोदी पर लोगों का विश्वास, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। राहुल गांधी के एमपी दौरे पर बोले सीएम शिवराज, इंडिया गठबंधन ने किया सनातन का अपमान तो क्यों चुप रहे राहुल। एमपी के सीएम शिवराज का राहुल से सवाल, राहुल बताए कांग्रेस शासन में देश कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाए गए। नर्मदापुरम में चुनावी रैली में बोले कांग्रेस नेता कमलनाथ, शिवराज सरकार ने घर घर में दी शराब। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में समानता पर बोले दिग्विजय सिंह, भाजपा ने चुराया कांग्रेस का मैनिफेस्टो। एमपी में कांग्रेस की 5 गारंटी पर बोले अमित शाह, जिनकी खुद गारंटी नहीं वो गारंटी बांट रहे। बीएसपी सांसद दानिश अली का पलटवार, असम के सीएम हेमंता को इतिहास भूगोल की कोई जानकारी नहीं, बीजेपी शासन में संसद पर हमला हुआ था। दिवाली के मौके पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के परिवार से मिले सीएम केजरीवाल, त्यौहार की बांटी खुशियां। दोनों परिवारों से मुलाकात के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा, हम सब सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंत में जीत सत्य की होगी। तेलंगाना में बीजेपी का जोरदार चुनावी प्रचार, प्रदेश अध्यक्ष जी कृष्ण रेड्डी ने अंबर पोर्ट में घर घर जाकर मांगे वोट। सिलकियारा सुरंग का दौरा करने पहुंचे सीएम धामी, अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। सभी श्रमिकों को बाहर निकालना प्राथमिकता, विशेषज्ञ एजेंसियां बचाव कार्य में जुटी। पीएम मोदी भी संपर्क में बोले सीएम धामी। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों से बचाव दल का हुआ संपर्क, उन्हें पानी मुहैया करवाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एक अधिकारी के मुताबिक 15 मीटर अंदर तक पहुंचा बचाव दल, 35 मीटर और अंदर फंसे हैं मजदूर। टनल के अंदर मशीन और ऑक्सीजन पहुंची, पैसेज निकालने का काम शुरू। टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित, बाहर से भेजा जा रहा ऑक्सीजन, सर्कल ऑफिसर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल सुबह फंस गए थे मजदूर, निर्माणाधीन सुरंग ढहने से उसमें 40 मजदूर अंदर फंसे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ आईटीबीपी के जवान पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, ऑपरेशन को पूरा होने में 2-3 दिन लगने की उम्मीद। उत्तरकाशी टनल में फंसे 40 मजदूरों की लिस्ट जारी, मलबे को हटा, मजदूरों को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीम। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर ली जानकारी, अधिकारियों के संपर्क में हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज, कई जगहों पर एक्यूआई गंभीर कैटेगरी में सुबह के वक्त छाई धुंध। दिल्ली के आनंद विहार में 296 एक्यूआई दर्ज, आरकेपुरम में 290, पंजाबी बाग में 280 और आईटीओ में 263 रहा एक्यूआई। दिल्ली के कई इलाकों में रात में छाई धुंध, दिवाली के जश्न के बाद हवा की गुणवत्ता हुई खराब। दिवाली पर दिल्ली वालों ने जमकर चलाए पटाखे, पहाड़गंज में आतिशबाजी के बाद दिखा पटाखों का कूड़ा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ी धज्जियां, एनसीआर में लोगों ने जमकर चलाए पटाखे। गाजियाबाद में खराब श्रेणी में पहुंचा वायु गुणवत्ता, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखी धुंध। दिवाली के पहले और बाद में एक रेंज में रहा दिल्ली में एक्यूआई, कुछ पत्रकार पटाखे जलाने को लेकर फैला रहे फेक न्यूज, अमित मालवीय का ट्वीट। दिल्ली प्रदूषण को लेकर एक्शन में सरकार, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बुलाई समीक्षा बैठक। दिल्ली के प्रदूषण के लिए पटाखे जिम्मेदार, बीजेपी नहीं निभाना चाहती अपनी जिम्मेदारी, गोपाल राय का बयान। दिल्ली में पटाखों पर था बैन, बीजेपी की मदद से यूपी और हरियाणा के रास्ते लाए गए पटाखे, गोपाल राय का बयान। गोपाल राय के पटाखे से प्रदूषण वाले बयान पर बोले कपिल मिश्रा, ये लोग हिंदू त्योहारों के खिलाफ हैं। कांग्रेस को सनातन धर्म के दिवाली पर से है समस्या, दिल्ली में पटाखे बैन पर बोले सांसद मनोज तिवारी। मुंबई में भी कई जगहों पर रात में दिखाई दी धुंध, दिवाली के पटाखों का दिखा साइड इफेक्ट। तमिलनाडु के मदुरई में भी खराब हुई हवा की गुणवत्ता, दिवाली के पटाखों की वजह से छाई धुंध। बेंगलुरु में दिवाली के बाद सड़कों पर बिखरा पटाखों का कचरा, जगह जगह लगा अंबार। कोर्ट के निर्धारित समय के बाद भी चलाए गए पटाखे, चेन्नई में 554 मामले दर्ज किए गए। चेन्नई में भी जगह जगह लगा पटाखे के कचरे का ढेर, सुबह सड़कों से किया गया साफ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर भारत में निज्जर किलिंग का लगाया आरोप, कहा हत्या में भारत सरकार के एजेंट हो सकते हैं शामिल। जस्टिन ट्रूडो ने राजनयिकों की छूट रद्द करने का मामला उठाया, कहा हत्या मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं, सहयोगियों के साथ उस पर कर रहे हैं काम। ट्रूडो ने कहा भारत से लड़ाई नहीं चाहते, पर शक्तिशाली देश ऐसा करेंगे तो दुनिया खतरनाक हो जाएगी। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने कनाडा के आरोपों पर उठाए सवाल, कहा अपने नाकामी को छुपाने के लिए आरोप लगा रहे हैं ट्रूडो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से की मुलाकात, पीएम मोदी की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लंदन में बीएपीएस श्री स्वामी नारायण मंदिर में दिवाली मनाई, जयशंकर और उनकी पत्नी ने मंदिर में की पूजा। 5 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं एस जयशंकर, विदेश सचिव सर जेम्स समेत कई लोगों से मीटिंग।
पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का ईडी ने कराया मेडिकल, पैर में दिक्कत और हेल्थ ठीक नहीं होने की कही थी बात। तेलंगाना की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के रिश्तेदारों के घर आईटी के रेड, शहर में 15 जगहों पर मारे गए छापे। यूपी के आगरा में एक होटल में महिला के गैंगरेप का मामला सामने आया, 5 लोगों पर शराब पिलाकर रेप करने का आरोप। महिला ने चिल्लाकर लोगों से मदद मांगी लेकिन मौके पर पहुंचे लोग मदद की बजाय वीडियो बनाने में जुटे रहे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार, महिला को किया गया रेस्क्यू। आगरा में ब्रह्म कुमारी संस्था की दो सगी बहनों की खुदकुशी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। गाजियाबाद में पटाखे से युवक की मौत, पाइप वाले पटाखे से उड़ा युवक का पैर। बिहार के रोहतास में पुलिसकर्मियों पर पथराव, घटना में घायल हुए 3 जवान, अस्पताल में चल रहा इलाज। अयोध्या के राम की पैड़ी पर कोरियाई यूट्यूबर से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया, यूट्यूबर ने खुद सोशल मीडिया पर घटना बताई। एक लड़के ने सेल्फी लेने के बहाने की गलत हरकत, अयोध्या पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। असम पुलिस और सीआरपीएफ ने बरामद किए विस्फोट, बैग के अंदर छुपाए गए 97 डेटोनेटर और 96 फ्यूज बरामद किए। तमिलनाडु के नीलगिरी में तेंदुआ का डर आया साया, कुडूर इलाके में एक घर में घुसा तेंदुआ। हैदराबाद के नामपल्ली में अपार्टमेंट के गोदाम में लगी भीषण आग, 6 लोगों की मौत। हैदराबाद में भंडारण गोदाम में लगी भीषण आग में फंसे लोग, एक बच्चे और महिला को रेस्क्यू टीम ने बचाया। हैदराबाद आग हादसे में 5-5 लाख की मदद, घायल लोगों का उस्मानिया जनरल अस्पताल में इलाज। हैदराबाद के बाजार घाट में गोदाम में भीषण आग, घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे मंत्री जी किशन रेड्डी। पटाखों के कारण गोदाम में लगी आग, राज्य में अवैध गोदामों को हटाने की जरूरत, बोले जी किशन रेड्डी। हैदराबाद के शाली बंदा में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में देर रात लगी आग, 6 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। असम के दक्षिण सलमारा में कपड़े के गोदाम में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में बीती रात तिलक नगर के बाजार इलाके में भीषण आग लगी, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग लगने की वजह की जांच चल। मुंबई के कुर्ला में अभ्युदय बैंक की बिल्डिंग के टेरेस पर बने टेंट में लगी आग, पूरे इलाके में मची दहशत। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा। गुजरात के नवसारी में आग का तांडव, स्क्रैप गोदाम को अपनी चपेट में लिया। मौके पर धू कर उठी आग के लपटे, पूरे इलाके में हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। अहमदाबाद में खुले मैदान में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार, हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कपड़े की 2 दुकानों में लगी आग, धू कर उठी लपटे, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आग लगने की वजह की जानकारी नहीं। पुणे के शुक्रवार पेट इलाके में एक गोदाम में लगी आग, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के अमरावती में मेडिकल शॉप में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक बस में लगी आग, बस स्टैंड में खड़ी बस बनी आग का गोला, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। तेलंगाना की एक फुटवेयर कंपनी में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मथुरा के गोपाल बाग में पटाखा बाजार में लगी आग, कई दुकानें जलकर खाक, कई लोग हुए घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज, कुछ युवक बुरी तरह झुलसे, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दी जानकारी। मालेगांव में टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में फैंस ने जलाए पटाखे, मालेगांव पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। लखनऊ में पीएससी में तैनात इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने परिवार के सामने माली 3 गोलियां। बंगाल के जयनगर में टीएमसी के क्षेत्रीय अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, जवाब में पीड़ित के परिवार वालों ने एक आरोपी की हत्या की। कोचिन हवाई अड्डे पर बरामद की गई 640 ग्राम की 4 सोने की चूड़ियां क्रीम के डब्बे में छिपाकर ले जा रहा था यात्री। मुंबई के एक होटल से 2 किलो कोकीन के साथ जाम्बिया का नागरिक गिरफ्तार, एनसीबी ने इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। यूट्यूब से चेन स्नैचिंग सीख कर एक आरोपी ने उड़ाया मंगलसूत्र, गोल्ड लोन में गिरवी रखकर लिया 47,000 रुपए का कर्ज। इसराइल हमास जंग का आज 38वां दिन, इसराइल ने गाजा पट्टी में एक और तेज किया एक्शन। गाजा पट्टी रात के वक्त भी धमाके की आवाज सुनाई दी, रोशनी की चमक भी दूर से आई नजर। इसराइली डिफेंस फोर्स के मुताबिक गाजा में छापेमारी जारी, 20 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। इसराइली एयरफोर्स के विमान ने हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर एक साथ हमला बोला, हथियारों के गोडाउन, वेयरहाउस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिराए बम। हमास के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों पर इसराइली पीएम नेतन्याहू का हमला, कहा लोगों को गुमराह कर रहे प्रदर्शनकारी। इसराइल पर लगातार हमला कर रहे हिजबुल्ला के आतंकी आईओएफ के सैन्यकर्मियों को बनाया जा रहा निशाना। हिजबुल्ला का इसराइली पोस्ट पर रॉकेट अटैक से तबाह हुई आईडीएफ की पोस्ट। हिजबुल्ला के अटैक पर इसराइल की कार्रवाई, इसराइल ने एयरस्ट्राइक से हिजबुल्ला के ठिकानों को किया तबाह। सामने आई साउथ लेबनान की तस्वीरें, इसराइली सेना ने किया हवाई हमला, बिल्डिंग को बनाया निशाना। इसराइल के एयरफोर्स के बाद तबाही का मंजर, हमले में जलकर तबाह हुआ मकान। दिवाली पर विश्व कप में भारत का जीत का धमाका, नीदरलैंड पर दर्ज की 160 रनों से धमाकेदार जीत। विश्व कप में भारत ने दर्ज की लगातार 9वीं जीत, 2003 में जीते थे लगातार 8 मैच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा विश्व कप का पहला सेमीफाइनल, 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी टक्कर। भारत ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, भारत ने 4 विकेट खोकर 410 रन बनाए। भारत की ओपनिंग जोड़ी ने की शत की साझेदारी, रोहित शर्मा ने 61 और शुभमन गिल ने 51 रनों की पारी खेली, 100 रन पर पहला विकेट गिरा। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे में लिया अपना पहला विकेट, रोहित शर्मा ने
तेजा निदामन परू को बनाया अपना पहला शिकार। भारत की तरफ से विराट कोहली ने भी किया गेंदबाजी। कोहली ने एडवर्ड्स को आउट कर विश्व कप में लिया पहला टिकट। केएल राहुल ने 62 गेंदों में शतक ठोक रचा इतिहास। विश्व कप में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड। रोहित शर्मा के नाम था सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड। रोहित ने इसी विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया था 63 गेंदों में शतक। भारत के श्रेयस अय्यर को शानदार पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। श्रेयस ने 94 गेंदों में बनाए 128 रन। रोहित शर्मा ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक छक्के का एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित शर्मा ने 60 छक्के लगाए, डिविलियर्स ने लगाए थे 58 छक्के। रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान एक विश्व कप में 24 छक्के लगाकर इयान मॉर्गन का सबसे अधिक छक्के का रिकॉर्ड तोड़ा। मॉर्गन ने लगाए थे 22 छक्के। विराट कोहली गोल्डन बैट की रेस में क्विंटन डिकॉक को पीछे छोड़ा। कोहली 594 रन बनाकर पहले नंबर पर पहुंचे। डिकॉक 591 रन बनाकर दूसरे नंबर पर। सेमीफाइनल से पहले बड़ी भारत की टेंशन। मोहम्मद सिराज फील्डिंग करते समय हुए घायल। सिराज के गर्दन पर लगी चोट। भारत की नीदरलैंड पर जीत के बाद पीएम मोदी ने भारतीय टीम को दी शुभकामनाएं। कहा टीमवर्क के प्रभावशाली प्रदर्शन से मिली जीत। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने हिंदू मंदिर भक्ति केंद्र में हिंदू समाज के साथ मनाई दिवाली। 1500 से ज्यादा लोग हुए शामिल। कुपवाड़ा के शारदा मंदिर में 75 साल में पहली बार मनाई गई दिवाली। आजादी के बाद पहली बार दिखा नजारा। उज्जैन के बड़नगर में भी निभाई गई परंपरा। गांव में परंपरा के तहत गायों ने श्रद्धालुओं को रौंदा। गोवर्धन पूजा के अवसर पर मथुरा में उमड़ी भक्तों की भीड़। द्वारकाधीश मंदिर में लोगों ने किए दर्शन।